हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं एकदम नया मैप सनसेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो जैसे कि जेट की हालत ख़राब कर चुके हैं एक अपड्राफ्ट से, और अभी जैसे कि आप देख रहे हो वेरी बैलेंस्ड मैप। ए साइड ऑलवेज जैसे कि लोटस बैलेंस था, आपको तो पता ही होगा। ए साइड इतनी क्लोज दी है कि डिफेंडर सीधा भाग के एक बार में उधर आ जाए और अटैकर को चांस ही ना मिले। और ये पता नहीं किस बात का मिड है, बट ठीक है। आई थिंक ये फिनिक्स के लिए अकेला एक मैप बनाया है जिसमें मतलब बस फिनिक्स ही खेलो और कोई एजेंट ना खेलो, और इसीलिए जेट नर्फ की है। आई थिंक ये फिनिक्स को बफ करने की कॉन्स्पिरेसी है रायट की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स है और ये ए का बैक साइड है। पता नहीं ये मैप है कि पजल है, मैं तो सॉल्व करते करते ही थक जाऊंगा। इतने कॉर्नर्स तो मेरे घर में भी नहीं है जितने इस मैप में दिए गए हैं पूरे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम फेमिलियर सा मैप है ही नहीं ये तो। असेंट जैसा तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं किया रायट वालों ने। ये टावर तो बिल्कुल भी असेंट में है नहीं, आप तो पहली बार देख रहे हो आप ये पूरा। और पूरा मैप का थीम भी असेंट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, जैसे आप समझ सकते हो। और आप देख रहे हो हम ए साइड पे खड़े हैं जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है, डब्बे जैसी साइड पता नहीं क्या बना दी है। और यहाँ से मिड पे लोग कैंपिंग करेंगे, हर कॉर्नर में यहाँ पे कैंपिंग करेंगे एकदम सैनोक के सांपों की तरह। और फिर यहाँ से आप देख सकते हो ये है आपका स्पॉन, जहाँ पे आपके टीममेट्स आपकी ही गन फेंक के आपको ट्रोल करेंगे। तो क्लासिक वैलोरेंट गेम प्ले, यहाँ पे गाड़ियों का गैराज है जो चला नहीं सकोगे आप कभी भी, टेंशन ना ले। और ये आ गए हम बी साइड पे, जो बी साइड जो है जैसे कि आप देख सकते हो शुरू होते ही खत्म हो जाती है मैप। बिल्कुल दोनों मैप की साइड्स इतनी बनाई है जैसे कि मतलब जगह बचा रहे थे रायट वाले मैप के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ही अजीब से एंगल्स है होल्ड करने के लिए यहाँ पे। और ये एरिया को मार्केट बोल रहे हैं, पता नहीं किस बात का मार्केट है। और ये देख रहे हो आप ये डोर तो कौन सा न्यू भाई, न्यू न्यू मैकेनिक्स भाई, ये तो एसेंट से बिल्कुल कॉपी नहीं किया गया ये डोर। और एक साइड ही स्विच देना भूल गए रायट वाले, बाहर से स्विच ही नहीं दिया है बिल्कुल। ये मैप कॉपी है, साइड तो पूरा कॉपी लग ही नहीं रहा मिराज का, जैसे कि आप देख सकते हो CS:GO का कॉपी है ही नहीं है साइड बिल्कुल। क्रिएटिविटी देख रहे हो आप रायट की, एकदम ऑन टॉप क्रिएटिविटी रायट की। और ये बी साइड पे बॉक्सेस दिए गए हैं जहाँ पे आप कैंप करके एंगल होल्ड कर सकते हो एनिमीज के लिए। यहाँ पे आप प्लांट करोगे तो देखो बिल्कुल ओपन नहीं है आप, ना ही आप लेफ्ट साइड से ओपन हो ना ही आप सामने से ओपन हो, आप एकदम सेफ प्लांट दे सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, बिल्कुल पूरा ओपन मैप है। और वापस हम आ चुके हैं यहाँ पे स्पॉन पे, देख सकते हो आप यहाँ से स्पॉन से सीधा बी साइड दिखते हैं, ऐसे अपन लाइनअप्स बना सकते हैं अच्छे अच्छे और यहाँ पे बस एक अल्ट ऑर्ब दे दिया गया है पता नहीं क्यों, बट बस दया आ गई होगी रायट वालों को इसलिए अल्ट ऑर्ब डाल दिया वहाँ पे। और वापस से एक और वॉल जहाँ पे आप फिर से कैंप कर सकते हो स्पॉन से सीधा, भाई ये तो मतलब हद पार हो गई। देखो सीधा स्पॉन पे आपको एंगल है यहाँ से इस वाली जगह से, मतलब बैठे बैठे एनिमी का गेम शुरू करने से ही पहले ख़त्म कर सकते हो आप। और जैसे कि आप देख सकते हो वापस हम यहाँ से जाएंगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इतना ब्राइट मैप है, मेरे को लगता है मुझे सनग्लासेस पहन के खेलना पड़ेगा। और ये है हमारा अटैकर स्पॉन जहाँ से आप पूरा एलए देख सकते हो, रिक्रिएशन सेंटर क्यों डाला है पता नहीं। और यहाँ से भाई कितनी भाई फिर से असेंट जैसा मिड बना दिया पूरा इधर, भाई अभी इससे प्रैक्टिस इस मैप पे होने वाली है। और आप देख सकते हो जेट का कत्ल हो चुका है एक अपड्राफ्ट, और शुरू होते ही ख़त्म होने वाला डैश, जैसे कि आप देख सकते हो इतना कम कूल डाउन, मतलब सीधा डैश शुरू होते ही ख़त्म हो जाए, मतलब हटा ही देना इससे अच्छा तो भाई मैं अब कह रहा हूँ। और देखो अल्ट का भी अभी एक पॉइंट बढ़ा दिया है थोड़े, नेक्स्ट अपडेट में गाइस जेट विल नो लॉन्गर बी एबल टू अल्ट, सो रिप जेट इन एडवांस अगेन। एंड बाकी आप देख सकते हो यहाँ से हम जाएंगे तो ये बैक साइड की गली है, गली में को इन लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, एली बोलते हैं। PCO भी दिया गया है गाइस अगर आपको घर पे फोन लगाना हो मैच के बीच में। और यहाँ पे और एक एंग भाई, मतलब इतने कॉर्नर्स दिए गए हैं ना, मतलब कसम से क्या ही बताए। और यहाँ से वापस से आप देख सकते हो साइड पे आके आप होल्ड कर सकते हो एक और एंगल यहाँ पे, मतलब रेज बहुत अच्छी हो गई ये सब बॉक्सेस पे चढ़ के बैठने के लिए। रेज फिर जेट जो जो एजेंट्स है जो ऊपर चढ़ के बैठ सकते हो, बहुत गंदे एंगल्स होल्ड करके बैठेंगे। बेचारा डबल अप ड्राफ्ट के सदमे से निकल नहीं पाया इसलिए ट्रेनिंग में जाके डबल अप ड्राफ्ट कर रहा है। और ये मार्केट लिखा है बट ये है मिड गाइस, मार्केट लिखा है बट है मिड, वैलोरेंट लॉजिक। और यहाँ पे पॉन शॉप, वो वाला पॉन गाइस जो आप समझ रहे हो वो नहीं। तो आपको अगर मैप अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आपको बताइए। और आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू स्किन लीक कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, ऑपरेटर वैंडल और जज शेरिफ, मतलब कसम से क्या ही इफेक्ट्स दिए। एंड आई कांट रियली वेट टू सी इसका फिनिशर कैसा होगा, काफ़ी अच्छा फिनिशर दिया होगा मेरे को लग रहा है इसका। और जज तो मैं आई थिंक लेने वाला हूँ, ये जज बहुत ही ओपी लग रही है मुझे,
और भाई साहब क्या नाइव्स देख रहे हो, इफेक्ट देखो भाई वो नाइव्स का, जैसे सोल आ रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है मुझे लिटरली। और इतने कलर्स भी इतने अच्छे दिए हैं ना, मतलब क्या बताऊं। शेरिफ यार आई पर्सनली थिंक नियो फ्रंटियर बेटर थी। चलो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।